Hello students, welcome to the class. I hope all of you are doing good. तो आज का ये क्लास किस चीज के ऊपर है? ये पबेड का क्वेश्चन है, मैरी पार्कर फॉलेट का क्वेश्चन है ये वाला. अश्विनी देवरा, जियुल हसन, वेट 5 मिनट. सॉरी मैं लेट हो गया, सॉरी लेट हो गया. एक्चुअली लिफ्ट बंद हो गई थी तो ऊपर आने में बहुत टाइम लग गया. प्रभात कृष्णा, वेलकम टू द क्लास. कल का आंसर कितने लोगों ने लिखा है पहले तो वो बताओ. क्या आप सब लोगों ने आंसर लिख लिया कल वाला? मोहम्मद शाहबाज, क्या हाल है आपका? जो आज का आंसर लिखेगा उसको क्या मिलेगा? हल्दीराम का काजू मिक्सर मिलेगा आपको. ठीक है, मतलब पूरा पैकेट तो नहीं मिलेगा, चाय के साथ थोड़ा खाने को मिलेगा. वेरी नाइस. तो आज का सवाल क्या है? आज का सवाल देखते हैं. मिक्सर, काजू मिक्सचर. आज का सवाल क्या, वो देखो. पहले तो ये फॉलो कर लीजिए प्लीज, मेरा ये जो प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, इसको जरूर फॉलो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी. ठीक है. एंड आंसर राइटिंग क्लास हमारी कब कब चलती है? 12:30 बजे से लेके 12:45 तक. आज लेट हो गए हम, कोई बात नहीं. नागार्जुना एल, गुड आफ्टरनून नागार्जुना, क्या हाल है? ऐसा नाम होना चाहिए बंदा सुन के डर जाए, नागार्जुना जी. चलिए अब सवाल क्या है. मैरी पार्कर फॉलेट ट्रेस्ड द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज ऑन हर वे टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिज्म ऑफ गवर्नमेंटल मशीनरी. कमेंट. हाँ रजत बघेल जी, पक्का सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा. अरे बंद पड़ा है पैकेट, 3 दिन हो गए, 4 दिन मैंने नहीं खाया. अब व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कि मैरी पार्कर फॉलेट ने जो बिजनेस और एंटरप्राइज की, जो फाउंडेशनल वैल्यूज है वो पता किया है. ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी. So this is the question. Government machinery. I think this is clear to all of you. So this is the question. अब ये वाला question कितने लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 में से 90% लोगों को ये वाला question समझ नहीं आएगा. 90% of people will not be able to understand this question कि पूछ क्या रखा है. सिर्फ 10% लोग हैं जिन्होंने कभी शायद मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में क्रिएटिव एक्सपीरियंस, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई उस तरह की उसकी किताब के बारे में हल्का फुल्का पढ़ा होगा. ओनली देन दे विल बी एबल टू बेसिकली राइट आंसर ऑन दिस, इसके ऊपर आंसर लिख पाएंगे, नहीं तो अधिकतर लोग इसके ऊपर आंसर लिख ही नहीं पाएंगे. सो व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या मैंने ये वाला मैरी पार्कर फॉलेट की ये वाली चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है. सो द आंसर इज नो, आपने ये चीज नहीं पढ़ी है. ठीक है ना. अभी मैरी पार्कर फॉलेट ट्रेस द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ बिजनेस अब ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ नहीं आया मुझे ये बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, प्लीज टाइप टी, क्योंकि डेलिबरेटली मुश्किल क्वेश्चन लेके आए हम. फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज ऑन हर वे टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी. कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? हाँ बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जिनको नहीं समझ आएगा. क्या ये क्वेश्चन और मैरी पार्कर फॉलेट ने जो भी थ्योरी दी होगी क्या उसमें बहुत बड़ा गैप रहा होगा, ये बता दो आप. जिस तरह से मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या बिजनेस को समझने के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करा है कि नहीं करा है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल सिस्टम,
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखो, जो कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करना है, ठीक है ना। क्या मैरी पार्कर फॉलेट ने इसके इसके अलग ऑपोजिट जाके क्या इसके ऑपोजिट जाके मैरी पार्कर फॉलेट ने अपनी थ्योरी दी होगी? जस्ट टेल मी दिस थिंग, क्या मैरी पार्कर फॉलेट ने इसके ऑपोजिट जाके अपना थ्योरी दिया होगा? सो द आंसर तो इसका ना ही है ना, नो। तो मैरी पार्कर फॉलेट ने बस मतलब जो बेस चीज बोली हुई है उसी चीज को आपने क्वेश्चन के हिसाब से अपनी नॉलेज को मोल्ड करके बेसिकली लिख देना है, समझ गए आप? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं, देखिए आप जितना मर्जी वुड्रो विल्सन पढ़ लीजिए, कोई भी टॉपिक जितना मर्जी पढ़ लीजिए आप, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस जरूर लेके आएगी जो क्वेश्चंस आपको 100% नहीं आते होंगे, ठीक है। बट आप लोगों को क्या करना है, आपको पास अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं लिखोगे यू विल एंड अप स्कोरिंग जीरो मार्क्स। कितना लिखोगे? आपको जीरो मार्क्स आएगा। आपने मैरी पार्कर फॉलेट पूरा पढ़ लिया, प्रसादन प्रसाद में पूरी चीज पढ़ ली है, वहां पर यह चीज नहीं है कुछ भी लिखा हुआ इसके बारे में। फिर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, वहां पर भी ये चीज नहीं लिखी हुई है। गवर्नमेंट मशीनरी तो उसने पढ़ी नहीं है ना, हम तो पढ़ते ही नहीं है, बट हमें पता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करा था। तो ऑर्गेनाइजेशंस में मैरी पार्कर फॉलेट क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशंस का मेन फोकस क्या है? प्रोडक्टिविटी। क्या है? प्रोडक्टिविटी है। बट प्रोडक्टिविटी के लिए आपने क्या नहीं करना है, आपने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं करना है, समझ गए आप? आपने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं करना है। यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन द वर्थ ऑफ अ वर्कर और अ वर्थ ऑफ अ ह्यूमन बींग वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज आप मेंशन करेंगे कि मैरी पार्कर फॉलेट ने इन वैल्यूज को बेसिकली अनअर्थ करा है। कौन की कौन सी वैल्यूज को? वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी को, ठीक है ना, कि प्रोडक्टिविटी जरूरी है बट उसके लिए एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहिए। शी इज फोकसिंग ऑन वॉट? शी इज फोकसिंग ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखो। शी इज फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि एम्प्लॉयज का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। थ्रू कोऑर्डिनेशन शी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, क्योंकि वो क्या कह रही है, कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कोऑर्डिनेशन इन द अर्ली स्टेजेस, कोऑर्डिनेशन एज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना, कोऑर्डिनेशन एज अ रेसिप्रोकल फिनोमेना, ठीक है। तो इनसे हमें कोऑर्डिनेशन से पता चलता है दैट शी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट? फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर। हाँ, तो वो इन चीजों की बेसिकली बात करती है। तो फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज में क्या ट्रेस करा उसने? उसने किस चीज को ट्रेस करा? वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग को, वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग को, कि अगर आप ह्यूमन बींग का ध्यान रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट में, पावर में, ऑर्डर में, कोऑर्डिनेशन में, प्लानिंग में एंड ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली डिफाइन करने में, तो हर कंसेप्ट में उसने ह्यूमन एलिमेंट को बेसिकली देखा है कि अगर कोई भी एंटरप्राइज ह्यूमन एलिमेंट का ध्यान रखता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेसिकली बढ़ जाती है। अगर वो नहीं करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। दिस इज वट यू शुड बी राइटिंग, बट यू शुड बी यूजिंग द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द मतलब यहाँ पे दिया, ऊपर दिया हुआ है। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो 15 नंबर का है तो आपका 5 या 6 नंबर आपको आने बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या है, सिर्फ ऊपर वाले वर्डिंग से कई बार डर जाते हैं, तो एग्जैक्ट हमें मीनिंग कई बार नहीं पता होता है, ठीक है ना। ये किसी मतलब मैरी पार्कर फॉलेट ने काम करा होगा, गवर्नमेंट मशीनरी में कुछ अंडरस्टैंडिंग करी होगी, बट वो हमने नहीं पढ़ा हुआ है। बट जितनी आपने चीज़ पढ़ी है उसके हिसाब से आपने आंसर को लिखने की कोशिश करनी है। बिकॉज अगर 10 बार क्वेश्चन पूछेगा आप यूपीएससी, आपको अब मान के चलिए 7 से 8 बार तो जो आपने पढ़ा है थिंकर के बारे में वही पूछेगा। 2 बार ऐसा हो सकता है, 2-3 बार कि आपसे ऐसी चीज भी पूछ सकता है जो आपने अंडरस्टैंड नहीं करी होगी, ठीक है ना, जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो आपने अंडरस्टैंड नहीं करी होगी। सो दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो इस तरह से आप, ये वाला मुश्किल क्वेश्चन है बट इसको लिखने का कोशिश करिए, ठीक है ना। अगर ये आपको चॉइस में क्वेश्चन इस तरह का आता है तो मेरे हिसाब से आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। बट अगर आपको मजबूरी है, क्वेश्चन पहले 1 और A B C D और E में आता है, देन यू मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
हाँ लीडरशिप भी आप लिख सकते हैं कि उसने ह्यूमन एलिमेंट को एक्सप्लोर करा है. मतलब यार एक चीज तो देखो ना, ट्रेस करी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, कि बिजनेस में किस तरह से चीजों को करना चाहिए, ठीक है ना, बस उसी के साथ कनेक्ट करने का बेसिकली इसको कोशिश करिए. दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग दिस आंसर. कल भी हम डिस्कस करेंगे कैन वी यूज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल थ्रू अवर थ्योरी लाइक कोऑर्डिनेशन प्लानिंग. आप कर सकते हैं, सो भी उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी राइट. बट ट्राई टू हाईलाइट दीज वर्ड्स, ट्रेस द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज ऑन अर वे टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी. तो इस तरह से इसको लिखने का कोशिश करिए. इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिलिबरेटली हमने ये वाला चूज करा है ताकि आपको पबेड के वैसे क्वेश्चन भी लिखने आने चाहिए कि जो मुश्किल होंगे, क्योंकि आप कितना मर्जी पढ़ लीजिए सब्जेक्ट को, चाहे पॉलिटी, चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, चाहे इकोनॉमी, आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं उनको भी अटेम्प्ट करना आना चाहिए. आपका गोल ये होना चाहिए कि अगर उसमें से भी आप 30% मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, 25% मार्क्स लेके आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन में भी, तो इसका मतलब है आपका रीडिंग स्किल और आपका जो कनेक्शन बनाने वाला स्किल है वो भी बेसिकली डेवलप हो गया है. मतलब अगर यूपीएससी आपको 19 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे यूपीएससी के पेपर में, अगर 15-16 आपको आते हैं और आपने 2-3 ऐसे भी अटेम्प्ट करे हैं जो आपको पूरे पूरे नहीं आते थे, पढ़े नहीं थे आपने, बट फिर भी आप अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि ये स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जितना पढ़ा है उसमें से मैंने आंसर को अच्छा लिखने की कोशिश करनी है. अगर कोई टीचर भी ये कह देता है कि मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना. कोई अगर वन क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो सिलेक्शन नहीं होती है, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. हर पेपर में आप ज्योग्राफी ऑप्शन उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स कोई भी देख लीजिए, किसी भी ऐसे साल का पेपर नहीं होता कि जिसमें पूरे स्टूडेंट को 100% क्वेश्चन आते हो. मैंने इसीलिए सिखाने के लिए आपको लेके आया हूँ क्वेश्चन, कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए. एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट. अगर आपको मजबूरी में करना पड़ गया तो इसको आप, अगर 15 नंबर का है आपको 2 या 3 नंबर देके जाएगा, ठीक है. मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बता सकता था, डिलिबरेटली मैंने नहीं बताया, ठीक है. तो बस अगर उतना भी लिखोगे देन ऑल्सो यू विल एंड अप स्कोरिंग मार्क्स, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना. सो दिस इज ऑल फॉर दिस, सो विल बी मीटिंग टुमारो. इसके ऊपर आंसर जरूर लिखिए, थोड़ा आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए, तो इसके ऊपर आंसर लिखिए. एंड वी विल बी मीटिंग टुमारो, कल फिर आंसर राइटिंग में मिलेंगे. चलिए बाय बाय बाय. मतलब ऐसे एथिक्स में भी आएंगे, ऐसे ज्योग्राफी में भी आएंगे, ऐसे इकोनॉमी में भी आएंगे. सिलेक्शन उन्हीं लोगों की होती है जो डरते नहीं है. हाँ, मैंने मेरी पार्कर फॉलेट पूरा पढ़ा हुआ है, 100% पढ़ा हुआ है, ये अपने आप को बताना बंद कर दीजिए. आप बोलिए मैंने मेरी पार्कर फॉलेट पढ़ा हुआ है, 70% क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लूंगा, 2-3 क्वेश्चन गंदे भी आएंगे तो मैं अपनी नॉलेज से उनको मोल्ड करके क्वेश्चन के हिसाब से लिख दूंगा. इससे आपका डर कम होगा पैदा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे आते होंगे. चलिए बाय बाय, टेक केयर. हाँ अरे प्रमोशन भी तो करनी है. थैंक यू प्रियंका. हाँ भैया अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना. एंड दिस इज अ स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है ये वाला, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है. तो आप अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10 से 17 नवंबर तक, 16 नवंबर है. एंड प्लस अभी ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच आ रहा है 2023 वालों के लिए आ रहा है, उसमें मेरी भी क्लासेस होंगी, ठीक है ना. फिलहाल यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ, बट तो 2023 वाले बैच में मेरी भी क्लासेस आ रही है. कल मैंने बताया था आपको यस ये रहा बायलिंगुअल में आ रहा है क्लासेस. क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, एथिक्स एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी. मार्च में ये वाला बैच बेसिकली स्टार्ट हो रहा है. सो इन मार्च द बैच विल बी कमेंसिंग. 2023 में भी बैच आ रहा है, उसमें मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ. सो दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट. एंड किसी को सब्सक्रिप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, दे कैन गेट इन टच विद प्रियंका. तो ये नंबर है प्रियंका का 8700 8700 8700 22064, ठीक है ना. चलिए बाय बाय, टेक केयर.